एक तरफ तो इन्फिनिक्स है जो कि कम प्राइस में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दे रहा है, और एक तरफ हुआवे है जो कि ज़्यादा प्राइस में कम स्पेसिफिकेशन देकर अभी तक लूट रहा है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है 10,000 की प्राइस रेंज में। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बताता हूँ, मीडिया टेक का P35 चिपसेट है जो कि काफ़ी कमाल किस्म का है इस प्राइस के अंदर, और फर्स्ट पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा दिया गया है। और पाकिस्तान में हवावे वाई 7P के नाम से मोबाइल लॉन्च किया है जो कि 12 नैनोमीटर वाले चिपसेट दे रहा है, लेकिन प्राइस उसकी 29,000 रुपये है। तो ये भी फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 25,000 की रेंज में लॉन्च होगा, इन्फिनिक्स का S5 Pro। इस फ़ोन के अंदर आपको 4GB RAM, 64GB की स्टोरेज दी गई है। मीडिया टेक का P35 चिपसेट है जो कि P22 से काफ़ी लेटेस्ट है। एंड्रॉयड 10 दे रहा है इस फ़ोन के अंदर आपको ये इन्फिनिक्स, और इसमें जो स्टोरेज की टाइप है वो EMCC 5.1 है जो कि 2.1 सेम ही है जो कि रियलमी 6 में आपको देखने को मिलेगी। 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मेन मिलेगा, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और लो लाइट सेंसर एक मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलेगा जो कि फर्स्ट फ़ोन है पॉपअप कैमरे के साथ इस प्राइस में लॉन्च किया गया। पाकिस्तान में इसकी प्राइस तकरीबन 25 से 26 हज़ार रहेगी, इससे कम भी आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा अगर आता है, लॉन्च होता है तो। OTG स्पॉटिडो का फिंगरप्रिंट बैक पे दिया गया, IPS डिस्प्ले दिया गया जो कि फुल HD है, और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था जिस प्राइस में आया। रियलमी 6 भी IPS डिस्प्ले दे रहा है, और जिसकी प्राइस 13,000 है इंडिया में, और पाकिस्तान में आया तो 28,000 कन्फर्म है। 4000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, काफ़ी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन है इस फ़ोन को, अगर पाकिस्तान में आता है तो मस्ट बाय करना अगर आप वेट कर रहे हैं किसी और फ़ोन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, शेयर करें यार इस वीडियो को अगर आपका कोई दोस्त फ़ोन खरीदना चाह रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।